गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निकीस ब्लॉग। सो आप देख रहे हैं मैं अभी नहा चुकी हूँ और एकदम फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और मैं आपको पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। मैं तो आपको वही दिखाने ले जा रही हूँ। मैं यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी दिया जो मैंने जलाया है और लेकिन वो दिख नहीं रहा था, तो मैंने ट्राई किया कि आपको पास ले जा कर दिखाऊँ। तो देखिए ये मैंने दिया भी जला लिया है और अगरबत्ती भी जलाया है मैंने खुशबू के लिए, तो वो जला हुआ है उधर मैंने रख दिया है। और मैं अभी नाश्ता की नहीं हूँ तो मैं किचन में पहुँची कि कुछ बना है कि नहीं, बट यहाँ नाश्ते के लिए आटा मतलब डो रखा हुआ है और यहाँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी है ना वो कटी हुई रखी हुई है। तो उसके बाद मैं घूमने चली गई कि कौन क्या कर रहा है देखने के लिए। तो यहाँ मैं हॉल में आई तो मेरी दीदी है वो सो रही थी। उसके बाद मैं रूम में गई मम्मी पापा के, तो वहाँ मैंने देखा मम्मी तो बैठी हुई है और पापा पेपर पढ़ रहे थे और किसी से बात कर रहे थे। और यहाँ मेरा भाई जो है यूनिफॉर्म पहन रहा है अपना, लेकिन ये ऐसा ही करता है हमेशा, सबके सामने जहाँ सब रहेंगे वहीं पर ही ये स्कूल ड्रेस ले जाता है और पहन लेता है। और आज है मंडे तो ये पहन रहा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वैसे 7 बजा है अभी। और यहाँ इसका आज एग्ज़ाम है, मतलब टेस्ट, यूनिट टेस्ट हो रहा है इसका। तो वही मेरे को ना सुना रहा था कि क्या क्या ये लर्न किया है। वैसे मैंने इसको देखा नहीं पढ़ते हुए, लेकिन ये फिर भी बता रहे हैं मैंने क्या क्या पढ़ा है करके। और देखिए बता रहे हैं मैंने कॉम्प्रहेंसिव पढ़ा है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन चल ठीक है। मैथ्स का ये बता रहा था, मेरे लगा ये लैंग्वेज का बता रहा है क्योंकि उसी में रहता है ना कॉम्प्रहेंसिव सेंटेंसेस वगैरह, तो ये भी बता रहा था मैथ्स का। तो मैं सुन रही थी, फिर उसके बाद तो ये ना एकदम याद करके बता रहा था। मैं दिखाऊँ आपको इसका, देखिए ऐसे कर रहा है लेकिन फिर भी इसने याद करके बताया मेरे को, तो मैंने भी बोल दिया वाओ ब्यूटीफुल। तो फिर उसके बाद ये अपना फेस वगैरह सब पोछ रहा था टॉवल में, क्योंकि ये नहाया है। देखिए इसका बाल गीला है, ये ऐसे करता है। मैं बोलती हूँ नहीं है, चुकी देखो मेरा बाल ऐसे बोलता रहता है। और नहा लिया है, अब ये जल्दी जल्दी पहनेगा स्कूल ड्रेस और सीधा जाएगा किचन की ओर। तो पहुँच गया ये, और पहुँचते साथ सबसे पहले ये काम करता है फ्रिज खोलने का। उसके बाद अभी तो 7 ही बजी थी और ये नाश्ता करने पहुँच गया था, बट इसको कुछ नहीं मिला, तो ये वापस जाने लग गया, वापस बातें करने लग गया और अपने आप को पतला दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और ये टाई और आईडी कार्ड इसने नहीं पहना क्योंकि टाई मैं बना रही थी इसका, पिछले बार भी मैं ही बनाई थी। तो मेरे को लगा नहीं, पिछले बार टाइम नहीं मिला था मेरे को, तो मैं जल्दी जल्दी बना दी थी तो अच्छे से बना नहीं था, तो मैंने ही बोला कि मैं और बना दूँगी करके। फिर उसके बाद मुझसे भी अच्छे से नहीं बना था, फिर मैंने पापा को दिया तो पापा ने फटाफट बना लिया इसका टाई। और उसके बाद ये पहना, लेकिन ना इसको ना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। फिर ना मेरे को भी बोला वापस बनाने के लिए, तो मैंने भी बना दिया फटाफट, लेकिन पापा एकदम अच्छे से बनाए थे लेकिन ये पहना नहीं ना। फिर उसके बाद मैंने बनाया उसको, इसने पहना। उसके बाद बाहर का मौसम जो ठीक ठाक दिख रहा था, और जो मेरी भूल गई थी और फेस वॉश कर रही है, और यहाँ अंदर वापस से चला गया आधी किचन में, बट यहाँ अब नाश्ता बनना शुरू हो चुका है। और यहाँ रोटी जो बन रही है और मंडी की सब्जी भी कढ़ाई में है, वो मतलब फ्राई हो रहा है अभी। और मेरा भाई यहाँ भी बातें करने लग जाता है। और यहाँ पे भी देखिए फिर से ये खोलेगा फ्रिज, पता नहीं इसको फ्रिज में क्या चाहिए, लेकिन फ्रिज हमेशा ये खोलता है जब भी किचन में आता है। और यहाँ मैंने बोल रही थी मैं इसको कि अपना दांत दिखाओ, अपने ब्रश किया है कि नहीं, तो इसने दांत को दिखाया ही नहीं। देख सकते हैं आप कैसे ये छुपा रहा है अपनी गलती। तो फिर उसके बाद ने दिखाया ही नहीं मेरे को अपना दांत। फिर उसके बाद मैं भी चली गई और यहाँ मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। और फिर यहाँ मैं आपको दिखाने वाली थी कुछ, हाँ
तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ अपने हाथ में बना हुआ टैटू। तो ये जो है ना, ये मैंने ग्रीन वाला वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन वाला इलायची वाला चॉकलेट आता है ना ग्रीन कलर का, वो मैंने खाया था, उसमें ये मेरे को मिला था ये टैटू। तो इसको मैंने चिपका लिया था अपने हाथों में। और ये ब्लैक वाला मेरे भाई जो लाया था उसको मैं देखी, तो वो भी अच्छी वाली। कभी कभी मैं बच्चों जैसी हरकतें तो करती ही हूँ। और फिर मैं अपने भाई को पकड़ ली। अब देखिए, और ये मुझे क्या दिखाया, ये आजकल ट्रेंड में नहीं है जो मतलब सब्जी को काटते हैं कट 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 बसता है जो, वही वो ये मुझे दिखा रहा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत देखा, फिर उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखाने आ गई। ये हमारा वॉल, ये साइड, ये मेरे पापा ने डेकोरेट किया है ये तितली को। हम लोग ने मलाई से लाया था इसको तो। और ये फोटोज जो ना मेरे पास थी जो मैंने रखा था, तो वो भी हमने लगा दिया है। फिर उसके बाद मैं ना आ गई यहाँ अपने रूम में थी, मैं पढ़ रही थी। फिर मैंने जल्दी चली 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 गई, क्योंकि बाहर मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है। अब देख सकते हैं, लेकिन ये डॉगी की हिम्मत देखिए, ये अभी भी चल रहा था रोड में। लेकिन आपको किसकी हिम्मत नहीं दिखाती, जो नहीं था वो आप सामने देख सकते हैं। ले देखने से पहले मेरी मम्मी यहाँ आ गई ब्रश करते हुए, तो मेरा भाई बहुत हंस रहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, वो सामने आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स में एक गाय खड़ा हुआ है। वो नहीं भींगा, वो छाँव लेने के लिए आ गया। वैसे वो हमारे घर आता है, लेकिन हमारे घर अभी सब लोग यहाँ खड़े हुए थे, इसलिए वो हमारे यहाँ नहीं आया। हमारे यहाँ ही आके वो गोबर करता है। तो यहाँ देखिए इनकी हिम्मत तो देखिए, ये जा रहे हैं बाइक में अपने काम में। बिल्कुल भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी बारिश हो, हम तो काम करेंगे ही अपना, ऐसा ही रहना चाहिए सबको। तो यहाँ देखिए, मैं मेरा भाई जो है बारिश हो रहा था, और हमारे घर के सामने जो है ना पानी भर गया, आपने देखा होगा। तो मम्मी ने बोला यहाँ बोर्ड तो चलाइए, तो मेरा भाई जो है बोर्ड बनाने लग गया। तो आप देख सकते हैं उस कैसे कैसे वो बना रहे हैं। आपको अगर सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपने भाई को बोलूँगी तो वो आपको सिखा देंगे बोर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ आदि फटाफट बोर्ड बनाया, और उसके बाद यहाँ वो रख दिया मतलब चलाने के लिए। तो उसके बाद थोड़ी देर जाके डूब गया। तो आप देखिए कि मेरा भाई का बोट कैसे चलता है। आपने देख लिया ना कैसे बोट चला। फिर मैं अंदर आ गई, मेरा भाई स्कूल चला गया, और मैंने अंदर आके नाश्ता किया। फिर मैंने फिर अपना टैटू दिखाया। फिर उसके बाद मैं स्टडी करने बैठ गई। यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो ऐसे ही हंसते खेलते मेरा मॉर्निंग जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।